मतलब जहाँ श्रम उनका गत हुआ है यहीं पर कृष्ण विश्राम किया था, इसलिए स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट नाम पड़ गया, ये कारण। दूसरा कारण है, अगर यहाँ पर कोई पर आए आकर कोई आचमन करे, हम भगवान को अनादिकाल से भूल करके 14 ब्रह्मांड और 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, हमारे तक अभी तक भी विश्राम नहीं हो रहा है, हैं अभी तक भी हमें विश्राम नहीं मिला। लेकिन कब विश्राम मिलेगा? जब यहाँ पर कोई एक बार आए, दर्शन करे, आचमन करे, यहाँ की स्नान करे, हैं कि फिर उसको क्या होगा, फिर 14 ब्रह्मांड 84 लाख योनि से उसको चिरकाल के लिए उसको विश्राम हो जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ेगा क्या, विश्राम घाट नाम पड़ा है। इसलिए वहाँ पर कृष्ण बलराम का हमको तो मैं सोच रहे थे वहाँ उतारेंगे, उन्होंने हमको यही उतार दिया। वहाँ पर जाएंगे प्रणाम करते हुए, वहाँ कृष्ण बलराम जहाँ पर विश्राम किया था वहाँ प्रणाम करते हुए फिर हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश को, हम लोग को दर्शन करके फिर वहाँ से धीरे धीरे लीला दर्शन करते करते धीरे धीरे फिर जन्म स्थान चले जाएंगे। ठीक है, बोले से विश्राम घाट अरे इनको कुछ दिया कि नहीं, कुछ देते जा पंडा को दे दिया ना, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा सबका याद नहीं रहेगा, चल सतमा उतार नहीं दी पता नहीं गाड़ी हरी नहीं टाइम हो गया जी 15:09 हमारी जमुना प्रसाद का नाम जानते हरि बोल राधे राधे लग रहे आ पीछे। हाँ ये द्वारका बीच है, 10 बजे खुलेगा, जब तक ऊपर देख करके आएंगे महाराज द्वारकाधीश मंदिर की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की, राधा रानी की, कृष्ण बलदेव की, मथुराधीश की, बाल कृष्ण भगवान की, दुर्वासा ऋषि की, विष्णु जी लाइव चल रहा है, हाँ लाइव चल रहा है, एकदम सीधा हेलो श्री मथुरा मंडल की। ये जन्मभूमि का माल है, कृष्ण जन्मभूमि पुराना माल, कृष्ण जन्मभूमि, इधर से ही वासुदेव जी को कुल लेकर के गए थे, ये सब यमुना जी का खादर है, पंडित लोगों का बिल्डिंग बना हुआ है यहाँ।
श्वेत बाधाए भगवान, आर्य बाधाए भगवान, काली मदन भगवान, दाऊजी महाराज, अरुण भगवान, गरल भगवान, आपके जो है महाविद्या देवी का मंदिर, शत्रुघ्न का मंदिर इधर है, इधर हाँ इधर वीर भद्रेश्वर महादेव, उस साइड में पद्मनाभ का मंदिर है, नीचे कसाई पारा में दीर्घ विष्णु का मंदिर है, वहाँ तक देख कर भी आ सकते हैं यहाँ। ऐसे इसको देख करके नीचे उतरिए, द्वारकाधीश नहीं देखेंगे, द्वारकाधीश हाँ तो ऐसे निकल जाइए दीर्घ विष्णु देखते हुए। हाँ बिल्कुल सही रास्ता है, बिल्कुल सही मार्ग है आपका, इधर चलिए प्रभु जी, इधर 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 आइए। जय राम, जय जय राम गुरु जी, जय राम, जय जय राम। ये श्वेत वाला है भगवान, गया याम पिंड दाने नो यत फलम जी के पुत्र, अंदर चप्पल उतारिए, यहाँ नहीं उधर दक्षिण लेके, हाँ उधर से आना, चप्पल एक जगह उतार, ये श्वेत बना है जिन्होंने गुरु जी पृथ्वी का उद्धार किया था, है ना जी। प्राचीन बाहर रखिए चप्पल, चप्पल कोई बाहर नहीं रखना, क्यों अंदर ले जाएगा, अंदर रखिए। बड़ा हाँ जी, हाँ चप्पल कोई पहन के आया है नहीं, अंदर चलिए अंदर, चप्पल बाहर मत उतारना। दो वरा होने श्वेत वरा कृष्ण वरा, ये कृष्ण वरा है, पूज्य वरा भगवान की जय, ये आर्य वरा है भगवान का दर्शन है, एक एक कर परगमा दीजिए, इनका एक परगमा देने से किसी की परगमा का फल मिलता है। भूतेश्वरं च वराहम वरा भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, आप भी मानसिक परिक्रमा करिए सब लोग। चलो 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 जाओ जाओ, ऐसे कुछ नहीं, ये प्रभु जी की स्पीड बहुत अच्छी है। तुलसी तुलसी जी में दोनों तुलसी जी जाएंगे, पूरी पृथ्वी की चार परिक्रमा हो रही है। तुलसी आगे इधर दर्शन करिए सब लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ भोलानाथ, भोलानाथ भगवान रोज सामने देखिए, इधर सबसे प्राचीन दर्शन है, सनातन सनंद कुमार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान सेन कर रही हैं, लक्ष्मी जी चरण दाब रही हैं, ये मथुरा का सबसे प्राचीन दर्शन है, ये चतुर्भुजी नारायण, और इधर देखिए गणेश जी पार्वती और नंदीश्वर पूरा परिवार, केदारनाथ,
जी उसमें माता है कहाँ गई? हाँ माता है परिक्रमा हो रही हा? आपकी एक परिक्रमा हो रही पीछे पीछे श्वेत वाला में घुस गया तीन ये पूरे चार पूरे तुम लोग कहां चली आए तो पीछे पीछे नहीं आ गए मन मन ढंग से घूमते रहते और सब इकट्ठे करके लगा करो पीछे पीछे आप जिधर आए उधर जाओ और सब कहां गए और सब कहां गए इस तरह उनके ले बुला के ले अलग अलग घूम रहे सब तुम लोग कहाँ थे सब कुछ तो सब कहाँ थे सब कुछ तो यहाँ पर तो बराज थे तो इधर सब तुमने बुला लिया कुर्सी 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 पे बैठो नीचे बैठो बरात में भजन का जाए दे देव है तुम लोग कहाँ का अपने अपने कहाँ घूमते हो जले ऋतवान शिवेदा बही चले के केशव गीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे केशव गीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय दशावतार जय दशावतार दशावतार
महाराज जी की जय। अपने गुरु जी की, हरि बोल। इनके माता पिता की, अब भी बैठे सुनो। हम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गुरु महाराज जी के अभय चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और हमारे पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप जितने भक्ति लोग आए हुए सभी के चरणों में एक आयु से प्रणाम करता हूँ। हम लोग आज ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते मथुरा में आए हैं। आज से ठीक 15 दिन पहले हमारी मथुरा धाम की परिक्रमा प्रारंभ होती है। पंचमी के दिन आज अष्टमी है, कल पंचमी की हमने वृंदावन की परिक्रमा की। 15 दिन पहले कार्तिक से 10 दिन पहले लगभग मथुरा में विश्राम घाट पर गुरुदेव के अनुगत्य में संकल्प होता है और वहाँ पर हम लोग कार्तिक व्रत पालन करने के लिए व्रत लेते हैं। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कृष्ण भक्ति विशेषकर राधा दास्य की प्राप्ति हो और हमारे समय समस्त प्रकार के अनर्थ बाधा ना दे और हम कृष्ण की राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति हम लोग कर सकें। परंतु किसी कोरोना के कारण किसी भी कारण बस हम लोग ये परिक्रमा को अभी उतने लोग भी नहीं आ पा रहे भक्त लोग और उसको थोड़ा सा विलम्ब से शुरू किया पूर्णिमा से। तो हम विश्राम घाट पर भी महाराज जी के अनुगत्य में संकल्प लिया, षष्ठीवासन किया और मथुरा धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते हम जहाँ मंदिर में आए हैं, ये मंदिर है श्वेत वराह का मंदिर, आदिवरा जो मंदिर है जो वहाँ गए वो आदिवरा और ये श्वेत वराह। नहीं ये श्वेत वराह नहीं, ये आदिवरा पीछे इस मोहल्ले का मैं सरदार हूँ। ठीक हो गया, यहाँ ब्रह्मा जी की नाक से जन्म हुआ है, पुष्कर राज में वहाँ से ब्रह्मा जी की नाक से जन्म लेकर के भगवान से इंद्र बोला कि आप जो है बहुत छोटे से हैं, उस राक्षस को नहीं मार सकते, आप मच्छर के समान है, वो राक्षस बहुत बलवान है जो पृथ्वी को चुरा के ले गया है, वो ऐसे मसल देगा। भगवान को इस बात का नहीं पहुंचा कि ये मुझको छोटा मच्छर बतला रहा है। इंद्र भगवान ने विराट रूप धारण किया और बड़ा रूप धारण करते 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 भगवान का मस्तक आकाश में पहुंच गया, इंद्रपुरी में पहुंच गए भगवान। बारह पैर पाताल में चला गया, घरों गुरु की आवाज होने लगी, देवता कहने लगे कि आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं उसका काल हूं जो पृथ्वी को चुरा करके ले गया है, मैं उसको मारने के लिए पाताल में जा रहा हूं। इंद्र बोला मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे यहाँ ही रहेंगे। इंद्र ने आने नहीं दिया आदिवराय भगवान को, तो वो आदिवराय भगवान वहां उनके पास इंद्र के पास कुबेर जाता था। कुबेर बोलता था अब मैं पूजा करूंगा, तेने बहुत पूजा किया, मैं पूजा करूंगा। कुबेर ले गया अपने यहाँ, कुबेर को जब देखा कि वो विमान में घूम रहा है, लंका का राजा रावण जो विमान में देखते हुए उसने देखा कि ये विमान में घूम रहा है, कौन घूम रहा है, कि ये कुबेर घूम रहा है। तो रामल ने मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ बारहा भगवान को लंका ले गया। लंका में विभीषण सेवा करता था, हनुमान जी फूंकने के लिए गए लंका को, तो वो ही मंदिर राम नाम अंकित सुंदर, वहीं पर बारहा भगवान का उसने दर्शन किया। हनुमान जी ने राम ने रावण का विनाश किया, विनाश होने के बाद में विभीषण ने राम जी को वो अवतार दे दिया कि आप अपना अवतार ले जाइए, वराह अवतार। यही वराह अवतार था जो राम जी को विभीषण ने दिया था। ये अयोध्या में रहे, अयोध्या में वहाँ यहाँ एक लवरासुर नाम का राक्षस रहता था मधुवन के अंदर, उसको मारने के लिए, लवरासुर को मारने के लिए भगवान राम ने शत्रुघ्न को भेजा कि तुमने मेरा सेवा करना चाहते हो,
तो तुमने मेरा सेवा करने से वंचित रहे। सीता ने सेवा किया, लक्ष्मण ने सेवा किया, भरत ने चरण पादुका का सेवा किया, सबसे छोटे शत्रुघ्न ने कोई सेवा नहीं किया। मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं, तुझको जाना पड़ेगा। और ये मेरा सेवा करना चाहता है तो मेरा ये सबसे पहला अवतार लेकर के जा और इसका सेवा कर, मथुरा में राज्य कर, और लवणासुर नाम के राक्षस का वध तेरे हाथ से होगा। लवणासुर राक्षस का वध करने के लिए शत्रुघ्न भगवान आए और इन बढ़ाए आद बढ़ाए भगवान को लेकर के आए। इनके दर्शन, इनकी पूजा की और दर्शन के प्रताप से, पूजा के प्रताप से 11-4 वर्ष तक शत्रुघ्न जी ने मथुरा में राज्य किया। जाके सुमरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। हनुमान का जो इष्ट है उसका नाम है राम और शत्रुघ्न जी के इष्ट का नाम है वो आर्य बाधा है भगवान। इनका नाम लेने से शत्रुओं का विनाश होता है, इनकी परिक्रमा देने से सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है, इनको देखने से दिष्टा पातक नाशनम। 7 मंदिर ऐसे हैं जो आपको विधि 84 कोष में अवश्य दर्शन करने हैं, नहीं करने हैं तो उनका स्मरण करना है। इनके स्मरण से, इनके देखने से समस्त पातक भस्म हो जाती हैं। भूतेश्वरंच भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वरंच वाराहम केशवम भास्करम ध्रुवम दीर्घ विष्णु च विश्रांतम दिष्टा पातक नाशनम। गयायाम पिंडदानेनो, गयायाम पिंडदानेनो यत्फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम संवासमोति श्वेत दिष्टा सदा नरा। जो श्वेत वाराय भगवान को आप देख करके आए हैं, वो श्वेत वाराय भगवान पाताल में गए हैं, पाताल में जाकर के उस राक्षस को जगाया है। उप शंख बजा करके वो राक्षस उठा है और उठ करके कहता है, राक्ष तू है कौन? कहीं मैं तेरा काल हूं। कहीं तू मेरा काल नहीं हो सकता, मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी प्रकार से मैं मर नहीं सकता। तो कहीं मैं तुझको नाखूनों से मारूंगा, नाखूनों से उसके पेट को छीर करके। और भगवान ने उसका वध किया, वध करके 5,500 वर्ष युद्ध किया जल के अंदर, फिर जल के अंदर युद्ध करके पृथ्वी को डाल के ऊपर लेकर के मथुरापुरी में आए। मथुरा में जिस घाट से आप चले हैं, नीचे घाट है, उस घाट का नाम है अशुकुंडा घाट, वारहा क्षेत्र। उधर भगवान ने, बारहाय भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया कि पृथ्वी माता आप यहाँ विश्राम लो, मैं यमुना जी नहाता हूँ, क्योंकि मैंने राक्षस का वध किया है, यमुना जी नहा करके मैं परम पवित्र हो जाऊंगा। महाराज भगवान ने यमुना जी में डुबकी लगाई, स्नान करके चुके, अरे कही वसुंधरा मैं परम कांतिमय हो गया, परम पवित्र हो गया। आज कही आप तो पवित्र हो गए, मैं कैसे पवित्र होंगी, मैं तो राक्षस के पास रही थी। कही पृथ्वी तू जब पवित्र होगी, जब तू मेरे साक्षात इस बार आए रूप के दर्शन करेगी। और पृथ्वी से ये कहा कि भूते सुरंच वाराहम केशवम भास्करम ध्रुवम दीर्घ विष्णु च विश्रांतम दिष्टा पातक नाशनम। वसुंधरा इन 7 जगह पर जाकर के तुम दर्शन करो, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। बोलिए वाराह भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, परम नाथ भगवान की जय, दीर्घ विष्णु भगवान की जय, शत्रुघ्न जी की जय, गोपाल जी महाराज की जय, महंत जी की जय, भक्तन की जय, पंडा जी की जय। देखो ये जो ये आदि वराह देव आप लोगों ने श्रवण किया है, आदि वराह का कथा श्रवण किया है। कहते जो वराह देव ने हैं, इन्होंने क्यों प्रकट हुआ, इसका कारण क्या था? ध्यान, इसलिए एक समय भगवान की चरण की तुलसी और चंदन की खुशबू प्रवाहित होते हुए पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, मानस पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। जब उनको नासिका में प्रवेश किया, पहले वो ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन ब्रह्मा बड़े दुखी थे, कहाँ इनको जन्म दिया, इनका कहाँ कृष्ण भक्ति रस मिलनी चाहिए, ये कहाँ ब्रह्म ज्ञान में चले गए, बड़े दुखी थे। लेकिन जब भगवान की चरण की तुलसी चंदन की खुशबू गई, उनको नासिका में प्रवेश कर दी, उनको उन्माद कर दिया। बोले वाह कितनी सुंदर खुशबू, बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है?
बोलिए वैकुंठ से भगवान की चरण और तुलसी की खुशबू है। बोले पिताजी जिनकी चरण की तुलसी चंदन की तो खुशबू हो, कितने खुशबू नहीं होगी। बोले हाँ बच्चे बड़े सुंदर है, बोले दर्शन करने जाओ। बोले जाओ। तब उन्होंने जब दर्शन करने के लिए आए, छह दरवाजा तो पार हो गए, जब सप्तम दरवाजा पर पहुंचे नंगे धड़ेंगे किनको बोले सुने अंदर में घुसते जा रहे थे, वहां पर कौन थे? जय और विजय। इतने में छड़ी को रोक दिया, कहाँ जा रहे हो अंदर में? अरे तो पूछो अभी ठाकुर जी पता नहीं लक्ष्मी को साथ में क्या करते हैं और नहीं करते हुए पूछा पूछो कुछ नहीं, बिना पूछे अंदर में जा रहे, रुक जाओ यहीं पर। जब रोक दिया ना, इतने में चतुर्सेन को क्रोध आया, बलराम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को यहाँ आदेश लेने का जरूरत है। फिर उन्होंने अभिशाप दिया, बोले जाओ ये वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब क्या है? जहाँ पर वैकुंठ धर्म नहीं, काम क्रोध लोभ जन्म मृत्यु से अतीत है, यहाँ पर पूछने का जरूरत हम, जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। रोने लग गए। ठाकुर जी आ, बोले क्या बात है? ऐसे ऐसे ठाकुर जी बोले देखो इसको तो मैं एक चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता था, लेकिन अभी मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? भगवान अखिल रसामृत मूर्ति भगवान द्वादश रस के अधिष्ठात्री देवता, कहते केवल भगवान ग्यारह रस का आस्वादन किए, जो उनकी जो वीर रस है अभी तक आस्वादन नहीं कर पाए। अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं भैया ये वीर रस को मैं आस्वादन कैसे करूंगा, अभी किसको साथ में लड़ाई, क्योंकि चिट्ठी हाथी में लड़ाई नहीं होती है, हाथी हाथी में लड़ाई होना फिर तो पता चलता भाई युद्ध किया है। इसलिए भगवान अभी किसको साथ में लीला करेंगे, भक्तों को छोड़कर तो कर नहीं सकते। कहते भक्त भक्त चार तरह के होते हैं, एक तो उत्तम भक्त, एक मध्यम, एक कनिष्ठ और एक अधम। लेकिन ये जो जो जय विजय ये उत्तम भक्त, उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? भगवान की मन में जो इच्छा है अपनी आप इनके हृदय में परिस्फुट होता है, हैं? भगवान का क्या इच्छा? वीर रस को आस्वादन करो। अभी इनकी इच्छा को कौन पूरी कर सकते? भक्त इच्छा पूरी करते हैं, हैं? अभी उन्होंने मानव भगवान की इच्छा को जान करके उन्होंने रोके और जान बूझ कर उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया। बोले क्यों? तो ठाकुर जी की इच्छा है वीर रस आस्वादन करने के लिए। अभी इनकी इच्छा तो उत्तम भक्त ही करेंगे ना, इसलिए जान बुझ कर उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया। भगवान ने बोले अगर सात जन्म में वापस आना चाहते हो भक्त रूप में जाओगे, अगर तीन जन्म में बाद में आना चाहते हो तुमको हमारे शत्रु बन करके जाना पड़ेगा। बोले हम जल्दी जल्दी आना चाहते हैं भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए उन्होंने पहला जन्म में कहते के क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। फिर उनको वध करने के लिए भगवान बलदेव और श्री नरसिंहदेव प्रकट हुए हैं, इसलिए कहते उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष मतलब क्या? हिरण्य मतलब सुवर्ण, अक्ष मतलब आंखें, हिरण्यकश्यप मतलब क्या? कश्यप मतलब बिस्तरा, हिरण्य मतलब सुवर्ण, सुवर्ण के जिसका बिस्तरा, मतलब क्या है? इसलिए कलि को परीक्षित महाराज ने सुवर्ण में स्थान दिया, जितने सारे पाप है ये पैसा सारे सुवर्ण में आश्रय, सारे पाप का अधिष्ठान, जहाँ पर ज्यादा पैसा वहीं पर वेश्या खाना, वहीं पर जुआ, वहीं पर शराब, वहीं पर मांस, सारे पाप वहीं पर होता है, हैं? इसलिए कहते इनका आंख और पिस्ता जिसकी, अब इसको कौन वध कर सकते हैं? ठाकुर। इसलिए इनका नाम क्या? बोले भगवान बराहदेव ने किसको वध किया? उन्होंने हिरण्याक्ष को वध किया। हिरण्य मतलब सुवर्ण, आंख मतलब आंख, आंख में जिसकी सुवर्ण, सुवर्ण मतलब भोग, जहां देखे भोग, और जितने सारा इंद्रियों में ना सबसे जो गंधा, सबसे जो खराबी आंख, अब भजन करने के लिए बैठो बस आंख बंद कर क्या दिखता है आंखों में जो देख करके आ गया है, बस आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती दुकान वकान सब दिखता, क्यों? इन्हें आंखों से हम जो देखा, इसलिए बिल्लो मंगल ने क्या किया? आंख फोड़ दी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आग जितने दुष्ट है, क्योंकि वेश्या की हाँ कट्टू वाक्य सुन करके गया निकल करके, फिर सेठानी का प्रति आसक्ति हो गया। बोलिए आग जितना दुष्ट है, सारे हमें गंदे रास्ता में लेने वाला, आग फोड़ दी। इसलिए आग को अंदर में जो भोग प्रति बैठा हुआ उसको कौन नाश कर सकते? बराहदेव नाश कर सकते। और एक हिरण्यकश्यप उसको किसने बात किया? बोले भगवान नरसिंह देव है, हम अगर जो भोग वृत्ति है, हम जो भोग वृत्ति करना चाहते उसको कौन नष्ट कर सकते? इसे नरसिंह देव कर सकते। इसलिए श्री बराहदेव का अगर आशीर्वाद होगा तो ये आंखों में जो हमारी भोग वृत्ति बैठा हुआ है यही केवल नष्ट कर सकते। इसलिए बराहदेव से प्रार्थना करेंगे आप हम सबको ऊपर भी कृपा करो, जितने सबसे खतरनाक जो है जो विषय में डालने वाली आग है, इसलिए आपकी कृपा से ही ये भोग वृत्ति जिनका खत्म होता है। अगर जब तक भोग वृत्ति खत्म नहीं होगा
तब तक हम भगवान का तरफ में बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए ये सबको पर हम कृपा करे जैसे हमारे भोग वृत्ति नष्ट हो और भक्ति में हम धीरे धीरे भक्ति में बढ़ सके। बोले श्री आदि वराहा देव की जय। शत्रुघ्न गोपाल की जय। देखो अभी जो मैंने बताया ना, शत्रुघ्न जब अयोध्या में थे, यहाँ पर जब लवणासुर ने उत्पाद किया ऋषि मुनियों ने, क्योंकि उसको हाथ में शंकर जी का त्रिशूल था, उसको पिताजी का था मधुदैत्य, और उनका वरदान था जब तक तुम्हारे हाथ में ये त्रिशूल रहेगा ना तेरे कोई नहीं मार सकते। लेकिन मधुदैत्य मरने के बाद वो त्रिशूल देकर गए लवणासुर को, इतने टहलका मचा दिया है, इतने टहलका मचा दिया, बड़े बड़े राजा युद्ध करने के लिए आए है, मानधाता थे राजा, लेकिन सब उन्होंने चकना चूर कर दिया, कोई उनको नहीं मार सकता, क्यों? शंकर का त्रिशूल है। इसलिए उन्होंने जब ऋषि मुनियों को खा जाता था, ऋषि मुनियों ने प्रभु राम के पास में गए, इतने में श्री शत्रुघ्न ने कहा प्रभु सब लोगों ने तो आपकी सेवा की लेकिन मैंने कोई सेवा नहीं कर पाई, ये सेवा मुझे दे दिए। बोले ठीक है हम तुमको देते हैं, और राज तिलक लगा दी, वही का राजा तू बनना। बोले प्रभु आपको छोड़कर मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ। फिर उन्होंने वराह देव को दिया, ये वराह देव ही आदि वराह है, भगवान का पहला बता रहे। बोले इसी में ही मेरे रूप को तुम दर्शन करोगे, इसलिए तुम जा करके, और देखो जब तक उसका हाथ में त्रिशूल रहेगा मार नहीं सकते हो, इसलिए लेकिन जब वो शिकार करने जाता है वो त्रिशूल को रख करके जाता है उसी समय तू आक्रमण करना है, इसलिए उसने ठीक उस, और उन्होंने बोले तब भी उसको तुम मार नहीं सकते हो, तब भी तुम उसको मार नहीं सकते हो, इतने बलवान उसने, लेकिन जब कोशिश करना युद्ध करने के लिए, लेकिन जब किसी तरह से उसको मार नहीं पाओगे ना, लास्ट में मैं तुमको एक तीर देता हूँ, एक बाण देता हूँ, ये बाण को हाँ जब उसको नहीं मार पाओगे ये बाण को तो लास्ट में प्रयोग करना। सचमुच से जब उसने शिकार खेलने के लिए आए, उसने दरवाजा, उसने दरवाजा में उसने खड़ा हो गया दरवाजा में, और जब शिकार खेलने के लिए आए हाथ में उसकी, उसको हाथ में हाँ उसका हाथ में कुछ बात मत करो, इसलिए उसका हाथ में त्रिशूल नहीं था, इतने में शत्रुघ्न पीछे से उनको आक्रमण कर दिया, पीछे से उनको, पीछे से उसको उन्होंने आक्रमण कर दिया। बोले मैं युद्ध का चुनौती चाहता हूँ। बोले थोड़ी सी रुक जा। बोले क्यों रुके? बोले अभी मैं आता हूँ। बोले नहीं, तुम्हारे हाथ में अस्त्र भी, तुम्हारे हाथ में शस्त्र दोनों तुम्हारे हाथ में, युद्ध कर तुम यहाँ पर। इसलिए उन्होंने युद्ध किया, तब भी शत्रुघ्न टिक नहीं उसको सामने। लास्ट में भगवान राम ने जो धनुष दिया था, वो धनुष को उन्होंने जो तीर दिया था, लास्ट में उसी तीर से ही उन्होंने लवणासुर को बध किया। लवणासुर को बध करके पर यहीं पर उन्होंने फिर हमारे शत्रुघ्न जी के मथुरापुर को पुनः उन्होंने ये मथुरापुर को बैठाया। फिर जो भरत हैं, फिर जो भरत क्या, अरे भरतपुर है, वहाँ पर श्री भरत ने वहाँ पर राजत्व किया, इसलिए शत्रुघ्न ने इसको ठीक से फिर पुनः बैठाया। इसलिए यहाँ पर शत्रुघ्न गोपाल पंडा जी हमको ले जाएंगे, शत्रुघ्न गोपाल को भी दर्शन करेंगे, और उन्होंने जो सात यहाँ पर बताया ना जिनको स्मरण करने से जी भगवत गति को प्राप्त करता है, हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो दो बराह दर्शन कर लिया, शत्रुघ्न गोपाल एक आदि केशव और एक दीर्घ विष्णु है, काली मदन है, काली मदन है, दाऊजी महाराज, इस मंदिर का दर्शन करना है, इस मंदिर को हम इसी रास्ता में जो पड़ेगा उसको दर्शन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, फिर कृष्ण का जन्म मनाने जाएंगे। बोले श्री भगवान वराह देव की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ पर काली नाग को खाने के लिए गरुड़ और अरुण सूर्य के रथ को हांकने वाले दोनों भाई आए, तो उनका दर्शन करिए, गरुड़ भगवान का, अरुण भगवान का, और सामने भारत क्या देवी है इसकी पांचों पांडवों ने पूजा की हुई, भारत क्या देवी गिर जाऊंगा हो गया अच्छा। अब ठीक है, मैं महाविद्या मैया सबसे बड़ी देवी, महाविद्या देवी सब दसवीं देवी ये तो सारे घुस गए पूरे चप्पल देखो प्राचीन दाऊ जी महाराज तो दूसरा हमारे साल का बेकअप तो यही गुजर दाऊ जी है ये गुजर
हाँ जी अन्य 3 घंटे तो बच गए हमारे, 3 घंटे तो हमारे बच गए, पसा देते तो गए 3 घंटे। श्री त्वरा भगवान ने की जय। जितनी मेहनत छड़ने होगी उतनी कम जल जल्दी हो रहा काम। चल चल रहा है, चार्जिंग भी चल रही। पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी घुमा रहा है अंदर। अरे सब घूम रहे हैं। हाँ 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 बस वो कर रहा है। वो पंडित के चक्कर में, पंडित के चक्कर में क्या चीज़ है? कहीं भी नहीं गुरुदेव से ढूंढने से पहले भी निकलो बढ़िया लुटा पद्मनाभ जी इधर है ना। किधर जी? राधे राधे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे राम अनंत पद्मना, अनंत पद्मनाभ हरे कृष्ण। छोकेश्वर महादेव की जय। पद्मनाभ
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राधे राधे। खूब दूर तक आ रहे बाबा। राधे राधे। जय श्री राधे। ये पद्मनाभ मंदिर ठाकुर पद्मनाभ जी की जय। अनंत पद्मनाभ की हमारी गुप्त में जो आ गई।
अरे ये किसका है, ये किसका है, किस किसका है ये देख लो, किसका ज्यादा पैसा हो गया, नहीं होगा, ध्यान से रखो, ज्यादा पैसा हो दे देना। हाँ बोल बोल, हाँ ये सुन लो, जो अभी प्रभु जी पंडा जी कथा, हम जहाँ पर इस मंदिर पे आए हैं इसका नाम है पद्मनाभ मंदिर, जो ब्रह्मा जी भी, जो आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं और जितने भी सृष्टि की रचयिता करते हैं, इन्हीं के पद कमल नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जो बोलते हैं बैराज ब्रह्मा, जो सारी सृष्टि रचना करते हैं ना, वो इन्हीं पद्मनाभ की, भगवान की, विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। इसलिए हाँ देखो, हाँ ये पद्मनाभ ठाकुर जी है, इसलिए कहते पहले कृष्ण हुए, कृष्णा रस स्वरूप, कृष्ण आनंद स्वरूप है, अकेले तो लीला नहीं कर सकते कृष्ण, इसलिए बोले सब भाई नव्य रमे नव्य रमे तो सब द्वितीय मैचा, मतलब जो वो दो होने की इच्छा की लीला करने के लिए, उनकी बाम अंग से कौन प्रकट हुई, श्री राधा रानी प्रकट हुई, और डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, फिर उनसे मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से चतुर्विह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर वहाँ से हैं, फिर वासुदेव से कौन हुए, फिर तीन विष्णु हुए, एक कारणदो गोसाई विष्णु, एक गर्भदो गोसाई विष्णु, और एक गिराप गोसाई विष्णु, उसमें जो नारायण हुए गर्भदो गोसाई विष्णु, कहते हैं जो गर्भदो गोसाई विष्णु, ये गर्भदो गोसाई विष्णु मतलब जिनकी नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, जब सृष्टि हुए तब उन्होंने देखा चारों तरफ पानी पानी कुछ है नहीं, फिर वो सोच रहे भैया हमारी सृष्टि कहाँ से हुई, कमल लाल ने फिर प्रवेश किया, अनंत काल तक ढूंढते रहे फिर नहीं मिला, फिर ऊपर आए, फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुने, मिले त और प, फिर ब्रह्मा जी तपस्या किया, जब तपस्या किया भगवान उनको कहते ज्ञानों में परम गुह हम जत विज्ञान समन्वितम स रहस्यांच तदगंच गृहणम गदितो मैया, बोले पितामह ब्रह्मा जी मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान पूर्वक ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूँ, इसलिए मेरे द्वारा तुमको ये ब्रह्म ज्ञान तुम प्राप्त करो, फिर प्राप्त करके उन्होंने फिर उनका आदेश दिया सृष्टि का प्रारंभ करो, फिर उन्होंने सर्वप्रथम चतुसन को सृष्टि किया, चतुसन का सृष्टि किया तो बोले भगवान का इच्छा है संसार का सृष्टि बढ़ाओ, बोले भैया हम घर गृहस्थी के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, ये घर गृहस्थी बड़ा दुखमय है, घर गृहस्थी बड़ा दुखमय, इसका चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ प्रभु का भजन करे मस्त में रहे, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का आदेश है सृष्टि करो, ये कहते सृष्टि नहीं करें, तो भगवान का आदेश को पालन नहीं किया ना उन्होंने, पालन नहीं किया तो पाप लगेगा कि नहीं, पाप लगेगा कि नहीं, लेकिन उनको पाप क्या लगा, नहीं लगा, सारा दुनिया में इतने बड़े भगवान के भक्त बने क्यों, यहाँ शिक्षा देते हैं सृष्टि का जो पहला व्यक्ति है यही चतुर्सन, ये शिक्षा देते हैं भैया ये जो जीवन मिला है ना भगवान के भजन करने के लिए जीवन मिला है, अगर प्रभु का भजन अगर जीवन में कर दिया तो है, जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में कर दिया समझो उसका जीवन का सारे कर्तव्य उसकी जीवन में उसकी पूरी हो गई, आप लोग भाई घर गृहस्थ फिर कैसे चलेगा, अगर सभी अगर ऐसे साधु गुरु वैसे संत बन जाए फिर दुनिया कैसे चलेगा, दुनिया बहुत बढ़िया चलेगा चिंता मत करो, अभी दुनिया में इतना लोग सखिया हो गया कहते उसको कंट्रोल करो नियंत्रण करो, नियंत्रण करो बोल रहे ना, अभी सारा दुनिया का भाई नियंत्रण बहुत लोग हो गए, नियंत्रण हो ही नहीं पा रहे, कृषि को कम करने के लिए चाह रहे, इसलिए जो बाबा लोग बने ना उसको मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये लोग संसार नहीं कर रही मदद कर रहे हैं, इसलिए वो सिख्या देते हैं, देखो इधर मेरे तरफ में चार ही आश्रम है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को पालन करने का बाद जो व्यक्ति फिर ये संसार में नहीं फंसा ना, देखो यहाँ से सीधा डायरेक्ट यहाँ पर छलांग लगाया सीधा किसी में संन्यास में, लेकिन जो फिर संसार में प्रवेश कर गया फिर घर गृहस्थी 25 साल 50, उसके बाद में फिर 51 52 53, फिर उसमें जाकर वन में जाकर के फिर 52 50 साल उसको बर्बाद हो गया, लेकिन जो सीधा यहाँ से इधर छलांग लगाया ना बस उसको 50 साल क्या हो गया, बीच में उसको 50 साल लाभ हो गया है, इसलिए सर्वप्रथम सृष्टि का पहले चतुर्सन सृष्टि हुई है, फिर आपको पता है धीरे 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 कैसे, फिर जब वहाँ पर से मनु महाराज जी सृष्टि हुए फिर उन्होंने सृष्टि के लिए आदेश दिया, क्योंकि उसी समय पहले मानस से सृष्टि होता था, लेकिन जो पति पत्नी का मिलन में जो सृष्टि है ये मनु महाराज से ही सृष्टि हुआ, बोले भैया सृष्टि कहाँ कर कुछ है नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो पदल में चली गई थी, ब्रह्मा छिंके तो उनको नासिका से पहले कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट, ये वराह देव प्रकट हुए, विशाल रूप धारण करते हुए पारी में छलांग लगाए, फिर पृथ्वी को धुरी पर स्थापन की, फिर धीरे 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 सृष्टि का क्रम बढ़ा, इसलिए ये जो ठाकुर ये पद्मनाभ है जिनके नाभि कमल से
ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, अरे दुनिया विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ। इसलिए बताया ना बज्रनाभ ने जो सात मंदिर जो स्थापन किया था सात में ये एक है। इसलिए कहते जो सात मंदिर दर्शन करने से जीव को जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के ठाकुर के चरण की सेवा होते हैं, उसमें ये एक है। बोले अनंत पद्मनाभ की जय। सब कुछ प्रणाम दिया कि नहीं सबने? सब हाँ सबसे सब कुछ प्रणाम दिया। अपना नाम मत जाओ सीधा सीधा, ये सब पहले इधर उधर ही जावे बाद में सीधे सीधा आवे, इनका काम नहीं हुई है पहले दे उधर बाद में सीधे सीधे। अरे ये हमारी अम्मा टेंट वाली तो बस मानते नहीं। अलग रहेंगे हाँ वो इधर है इसके पीछे छोड़ दो चलो दीर्घ विष्णु चलो वहाँ पर मथुरा देवी है ना। हाँ मथुरा देवी मथुरा देवी आज शाम को लौट के आ रहा है बकरी आवेगा सीधा आज दिल्ली से बकरी आवेगा सीधा शाम तक हाँ तो आ जाओ लाओ भैया हेलो महाराज खाली खाली आज बहन बहन को तीसन जी आज जो लेंगे खाली सब रहने का एक टी-शर्ट पास लाया तो मैं कितना दिया सब लोग का फाइनल की सब लोग हाथ जोड़ करके आइए नंदा वालों ने मैं भी लम्मा आज बोल देता हूं आ जाओ बोलो अष्टमी यमुना जी को जन के तो प्रसादा ब्राह्मण वचन विष्णु प्रसाद शत्रुघ्न जी के दर्शन गोपाल जी के दर्शन परिपूरण वीर भद्रेश्वर महादेव के दर्शन राधे 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 सभी ब्रजवासियों को राधे राधे। Thank you.
के मेरे को जाना है दुर्वासा मंदिर उधर, मेरा जमीन है प्रभु जी, वो तुलसी जी है उसमें पानी लगाना है, तीन दिन से नहीं गया जाता नहीं हो तो तुलसी है, आम है, चमेली है, सब पौधा लगा दिया मोबाइल मोबाइल ज्यादा मत निकालो बंदर से, हाथ में मत रखो महात्म, जरूर सुनना मथुरा देवी का, वो लड़की सुनाता है बहुत अच्छा, उनका पुजारी हाँ उसको सब ज्ञात है, उनको सबको सुनवाओ, अब इसका ध्यान रखना, उसका कवर कर लेना। ये आगे वाला है इस साइड में, क्या मंदिर ये कौन सा मंदिर है? मथुरा देवी, मथुरा देवी की जय। दूसरे रास्ते से आए होंगे, इधर से आए होंगे, आपको ऐसा भ्रम होता है। मथुरा देवी की जय। नया बनाया? नया नहीं पुराना है, मथुरा देवी मथुरा देवी की जय। महात्म पुजारी जी बताएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, सब लोग आ जाइए, शांति से बैठ जाइए, बताए तुमने महात्म पुजारी साक्षात जमुना जी का स्वरूप है मथुरा देवी, सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं सबको आ जाने दो, श्री गंगा जी स्वरूप मथुरा मैया की जय, और बराबर में धर्मराज, धर्मराज इधर साइड में देव ऋषि नारद, नारद जी, और इधर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, वशिष्ठ हाँ जी, नारद जी, आप 12 कल्पों में 12 भगवान का जब अवतार हुआ है तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष जो है रसातल में ले गया, तो उसका उद्धार करने के लिए बराह विष्णु भगवान ने बराह रूप लिया, आप पृथ्वी का हिरण्याक्ष का उद्धार करके मद करके पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं, तब पृथ्वी ने श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है, 12 पुराण में भी है, गर्ग संहिता में भी है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं मथुरा महात्म में। जब लेके आ रहे हैं पृथ्वी को, तब पृथ्वी को शंका हुई है कि मुझे रखेंगे कहाँ, चारों तरफ जल ही जल दिखता है, तब भगवान ने अंतरात्मा से उनकी समझ ली है, बोले देवी, उन्होंने जो वर्ड यूज किया है कि हे देवी शंका क्या है आपकी, क्योंकि प्रभु मेरी आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, मेरी ये है शंका के आप मुझे रखेंगे कहाँ, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है मेरे, बोले आप मेरे मस्तक पर हो, जल से पहले आप निकलोगे बाद में मैं निकलूँगा, जब तुमको लता पता हरे वृक्ष पर्वत दिखें तब मेरे को बता देना। भगवान ने अपने मन से मत कर, इसी का नाम मथुरा है,
मंथुरा, तो मन से मत कर इस मथुरा का निर्माण किया है, जो कि गोलोक धाम के रूप में यहाँ पर सप्तऋषिपुरियों में गिनी जाती है। यहीं पर इसी वजह से कृष्ण भगवान ने, क्योंकि देवी को वचन दिया था कि आप यहाँ पर निवास करें, तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण जन्म में यहाँ पर जन्म लेके और फिर निवास करूँगा। विष्णु भगवान का वो आप तो नमा दसमा अवतार जो है कृष्ण भगवान के रूप में। बोलो श्याम सुंदर, बोलो श्री मथुरा महारानी की जय। ये श्री मथुरा देवी है, है? ये जो मथुरा है इसका जो अधिष्ठात्री देवी ये मथुरा देवी है। क्या जिस समय भगवान वराहदेव ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को उत्तोलन किया, तब वो पृथ्वी देवी कह रहे मेरे को कहाँ पर उन्हें स्थापन करेंगे, तो उन्होंने ये पृथ्वी देवी को यहीं पर, जो भगवान का जो धाम है, भगवान का धाम ये कोई साधारण वस्तु नहीं, इसको पितामह ब्रह्मा क्या कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृतत सुरभिरभिपाल यंतम लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्म सद्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमाम भजामि। इसलिए जो भगवान का धाम चिन्मय दिव्य अपराकृत अवलोकी भगवान का धाम है, इसलिए उन्होंने जो पृथ्वी को उत्तोलन करके लाए, उन्होंने यहीं पर, उन्होंने पृथ्वी को यहीं पर, इसलिए जो भगवान वराहदेव का हम लोगों ने दर्शन किया है पृथ्वी को, उन्होंने यहीं पर, उन्होंने पृथ्वी को धुरी पर उन्होंने स्थापन किया, फिर ये सृष्टि के प्रारंभ हुई। इसलिए जो मथुरा देवी एक तरह से ये कृष्ण की भी एक तरह का ये सखी भी ये मथुरा देवी है। इसलिए सात पूरी बताया गया, कितना पूरी, लेकिन हम तो एक ही पूरी खाते हैं, लेकिन इधर बताए सात पूरी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया और द्वारावती, ये सात पूरी। लेकिन इस सात पूरी में ये जो मथुरा पुरी को सर्वश्रेष्ठ पुरी बताया गया है, इसलिए हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं जयति मथुरा देवी श्रेष्ठ पुरी सुमनोरमा परम दयिता कंस रात्रि जनि स्थिति रंजिता। क्यों, कारण क्या है मथुरापुरी कितना श्रेष्ठ, तो क्यों बल भगवान अजन्मा होते हुए भी, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अजो अपि सर्ण अभय आत्मा भूताना अपि ईश्वर अपि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। भगवान अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी, लेकिन जन्म उन्होंने कहाँ पर लिए, मथुरापुरी में, यही कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर ठाकुर जी प्रकट हुए, जन्म हुए। इसलिए जन्य स्थिति रंजिता, जहाँ पर भगवान ने जन्म ग्रहण किया, अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मथुरा देवी आती हैं, हैं मथुरा देवी आती हैं आने पर, और जितने पुरी को कहते बोले अयोध्या तुम छत्री लेकर तैयारी हो जाओ मथुरा देवी के सर पर छत्री धारण करने के लिए, हे माया आप उनकी जूती लेकर के प्रस्तुत हो जाओ, हे कांची उनकी पिगदानी लेकर प्रस्तुत हो जाओ, हैं अयोध्या मथुरा माया काशिक अवंतिया तुम उनको के लिए उनके लिए जल की पात्र लेकर तैयारी हो जाओ। इसलिए जब मथुरा देवी आती है उसमें और जितने छह पुरी है ये सब के सब मथुरापुरी की सेवा करने के लिए ये सब के सब छत्री चामर व्यंजन उनके पादुका लेकर तैयार रहते हैं। क्यों, ये मथुरापुरी भगवान की एक तरह से भगवान की, ये पटरानी भी मथुरापुरी है, और ये मथुरापुरी में कहते रात्रि एक निवास हरि भक्ति प्रजाति। रूप गोस्वामी कहते अगर एक रात कोई मथुरा में निवास कर लेता है उसको भगवान की प्रेम भगवत प्राप्ति हो जाते, केवल एक रात्रि निवास हरि भक्ति प्रजाति। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते मथुरापुरी की महिमा को कहते हैं, कहते नियम है जैसे धाम का बाहर में अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं धाम में जाओ तो हमारे सारे अपराध खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई धाम में अगर कोई पाप कर्म करता है कहते वो वज्रलेप हो जाता है, मतलब वो पाप सहज में खत्म नहीं होता, कोई भी हर धाम में जा करके करने वज्रलेप, लेकिन कहते केवल एक ही मथुरापुरी, एक ही मथुरापुरी है जहाँ पर अगर यहाँ पर अगर कोई अपराध तुम्हारी हो गई पाप हो गई, अगर यहाँ पर मथुरा की कोई परिक्रमा करे मथुरा धाम में वास करे तो केवल एक ही पुरी है जहाँ पर अपराध करने पर मथुरा देवी ही उसका अपराध को नष्ट कर देती हैं यहाँ पर निवास करने पर, और कोई नष्ट नहीं करते केवल मथुरापुरी की, इतना महत्व मथुरापुरी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जयति मथुरा देवी, उनका नाम देवी शब्द उच्चारण किया, बोले देवी क्यों, बोले दुदप्यमान जो प्रकाश इसीलिए है, इसलिए उनको उन्होंने देवी रूप में संबोधन करते हैं। इसलिए जयति मथुरा देवी श्रेष्ठ पुरी सुमनोरमा, कभी जितने पुरियों में सबसे जो सुंदर पुरी है ये मथुरापुरी। इसलिए भागवत में जब कृष्ण बलराम आते हैं मथुरा में, उसको पहले तो कंस के अत्याचार थे, ये पीड़ित थी,
लेकिन जब प्रियतमा आने पर जैसे दुल्हनी बड़े सुंदर 16 श्रृंगार करके उपस्थित होती है, कृष्ण जब आए इतने में मथुरापुरी इतने प्रसन्न हो गई, वर्णना करते क्या दिव्य दिव्य अट्टालिका, क्या त्वरण, क्या उनको स्वागत, प्यार रखो अपने आप चल पड़ोगे, अद्भुत मथुरापुर की यहाँ पर वर्णना किया है, मथुरापुर की दिव्यता को यहाँ पर वर्णना किया है। कहते अगर किसी तरह से मथुरापुरी में किसी तरह से थोड़ी सी संबंध हो जाए, यहाँ कोई जन्म हो जाए, नहीं तो कोई शादी अगर होकर के भी मथुरा में आ जाए, हैं, नहीं तो अगर हम मथुरापुरी में किसी की उपनयन संस्कार हो जाए, कहते यहाँ तक भी नहीं, कहते मथुरापुरी में अगर उनकी आकर शरीर का संस्कार भी किसका हो जाए, रूप गोस्वामी कहते हैं उनको सारे पाप से उद्धार होकर के वो भगवत धाम को चले जाते हैं, अगर थोड़ी सी कोई संबंध ही मथुरापुरी से अगर हो जाए। इसलिए रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जो बृहद भागवत अमृत को रचना करते हैं, वो रचना में वो सबसे पहले उन्होंने सबको एक एक करके वंदना करते हैं, उसमें श्री मथुरा देवी को ही वंदना करते हैं। और हमारे जो गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज सारा जीवन कहाँ पर रहे, मथुरा में रहे, यहीं पर उनने साधन भजन किया है, हैं, यहीं पर उन्होंने सारे साधन भजन, ज़्यादा समय उन्होंने मथुरा में ही कठोर साधन भजन करके और इतने शक्ति उन्होंने प्राप्त किया, जिस शक्ति को उन्होंने संपूर्ण विश्व में, जिस भक्ति को उन्होंने सारा विश्व में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए ये मथुरा देवी की जो अधिष्ठात्री देवी थी, ये देवी है, इनसे प्रार्थना करो हमारे जो अपराध है सारे अपराध दूर करो, हैं, और जो सात उन्होंने बताया था ना पंडित जी, सात उन्होंने बताया था जो नाम बताया था उसमें ये मथुरापुरी इसमें एक है, इनको दर्शन करने से जीव भवबंधन से मुक्त हो जाते। बोले श्री मथुरा महारानी की जय, बोले श्री मथुरा पुरी की जय, जय जय श्री राधे। अब लोग थोड़ा थोड़ा प्रणाम देना, ठीक है, मथुरा देवी की परिक्रमा कीजिए। सही कह रहे थे जब इंटरव्यू में आप ये नंद ब्रज विकास ट्रस्ट ने इसका निर्माण पहले पुराना जो उनका रूम था वो थोड़ा हटा के आप देख रहे हो, इसलिए 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 हम हर साल आते हैं ना यहाँ पर, हम हर साल यात्री आते हैं, इधर से आते हैं आप, इधर से भ्रम हो गया आपको, आप इधर से आती है ना, ऊपर से नहीं आए, इसलिए हम थोड़ा नया ले अलग हमें नाम तो हर दिन एकदम मती भ्रम हो जाता है ना, हम तो पंडा जी हर रास्ते से हम लोग पहुँचाएंगे, देखो लोग केवल हमें मथुरा में एक मैं ऐसा आदमी हूँ कि हर आदमी को इधर दर्शन कराता हूँ, नहीं अगर तो यहाँ पर सात दीवारे तो दर्शन करता हूँ, परिक्रमा करके आओ सब कुछ प्रणाम करके आओ, क्योंकि जो आएगा वो मेरे मकान से होकर ही आएगा, महाराज मंदिर से हजारों आदमी देवनाथी ढाकर के दर्शन करके निकल जाता है, यहाँ कौन आवेगा, यहाँ यात्रा करने वाले को आना पड़ेगा, आप लोगों को 84 कोस यात्रा करेगा उनको ये अंत नहीं परिक्रमा का दर्शन हरे कृष्ण हरे कृष्ण इनको करना पड़ेगा। मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका सब कागज हमारे घर में था, मेरा परिवार ने मुकदमा लगा है मुसलमान से, जमीन हिंदू का है मस्जिद मुसलमान का, मस्जिद टूट जाएगा तुम्हारा नहीं, हाँ उसका मालिक है हम, हमारे घर में कागज था मिल्ला से बताओ कि उसका ही तो बोल रहा है आपसे, कृष्ण जन्मभूमि पर जो मस्जिद है बना हुआ है इसका, उसको हाई कोर्ट से हम जीते हुए हैं, चश्मा आपका है, वैसे जन्मभूमि का कागजात मेरे घर में था मेरे बाबा के पास, गांधी जी के दोस्त थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा, मुकदमे में जीत गए, 40 रुपया खर्च हुआ था, 40 रुपए की जरूरत थी, 40 रुपए हिंदुओं ने नहीं दिए सहायता के लिए, अगर 40 तो हाई कोर्ट जैसे आ गया, ये
ये जमीन हिंदुओं की है, मस्जिद मुसलमानों की है, मस्जिद टूट जाएगी दोबारा नहीं बनाई जा सकती, ऐसा जाकिर हुसैन ने कर दिया जो राष्ट्रपति। और कोई वो नहीं है, इसके बाद और कुछ तो नहीं है, अभी जाएंगे जलमता नहीं जाएंगे क्या? नहीं, तुम लोग यहाँ से हम जन्मस्थान में मिलेंगे आज। अच्छा, हम जब घूम के वहाँ लिख जाए यहाँ पर, ठीक है चलो, वो जाएंगे जन्मस्थान और हम वहाँ मिल लेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे जन्मस्थान। ठीक है, ठीक है चलो। कोई बाहर नहीं रखना है, तो थक लिए चढ़। बोलो श्री दीर्घ विष्णु जी की। हरि बोल। हाँ जी देखो बड़ों से जानते हैं, ये लाइव देख रहे होंगे ना, लाइव देखते होंगे सब। जी जी हाँ, मिले मिले, ठीक ठीक। मेरा बड़ोसे बहुत संबंध है, मैं आपके बड़ोसे में जाता हूँ, मैं आपके लोनी से लोनी समझ लीजिए बस। जी जी, और हम बड़ोसे हैं, लोनी से खास बड़ोसे हैं, आप खास बड़ोसे हैं, हमारे कहने पर बड़ौत में कई मकान बनाए हैं। जय हो, जय। कांदला में रहते हैं आप, तो कांदला बहुत जानते होंगे। हाँ हाँ, वही है कांदला की। हाँ बस, तो मैंने कांदला वालों से जो ब्राह्मण समझाया है मेरा, जी जी जी, मैंने उन सबसे ये कहा कि आप लोग सीधे बड़ौत में बनाओ मकान, बहुत सुंदर। क्योंकि बड़ौत में हमारे महाराज तो सब होने लगे, बड़ौत बिल्कुल शांत इलाका है, वहाँ गुरुदेव साक्षात वहाँ पधारे हैं। बड़ौत तो शांत है, निवासियों में शांति नहीं है, देख लो मान दे ले। जी जी जी, बोलो श्री दीर्घ विष्णु जी की, बोलो आपके के भक्तों की। ये तो घर के पुजारी मिल गए, ये तो घर के पुजारी मिल गए, स्टाफ हो गया। दीर्घ विष्णु मंदिर जी में हमारे लोनी क्षेत्र के पुजारी जी हैं, ये सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। प्रभु जी ऐसे आओ, ऐसे ऐसे आओ, ऐसे देखे चलो, ऐसे आ जाएंगे, परेश को परे को परे को आओ, गुरु जी को रहने दो, गुरु जी वे तो परम ब्रह्म है, पहले ही हमें कर लें दो, हम तो यहाँ से नो के बोले वैष्णव राज यथा शंभु जी की जय। श्री कृष्ण अन्ना जी दादा सर करो, पार्वती मैया गजानन भगवान नंदीश्वर, जय हो जय हो, सब परिक्रमा कर लो आज तो। बेटा पसा देना जरूर, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दुआ रहे दीर्घ विष्णु जी की जय। जीत कहाँ गया? यहीं है जी। कहाँ है? प्रभु जी दर्शन पर पहुँचो, पर पहुँचो। और अनुपम कहाँ गया? अनुपम दर्शन करने गया। तमाल प्रभु कहाँ? तमाल तमाल मुझे पूछा
बोलो श्री गुरुदेव जी की जय हो, जय हो, जय हो। पुजारी प्रभु जी की जय हो, भगवान की जय है। ये सब आप लोगों की समानी है और संतों के दास हैं। संत समाज हमारे दास भक्तों की सबसे पहली जय हो। श्री कृष्ण द्वैत गदादेश शिव श्री गौर भक्तवृंद जय हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। नाम है दीर्घ विष्णु। मथुरा में जब कंस के लिए ब्रज में दैत्य को भेजा, कवि पूतना को भेजा, अगासुर बकासुर बहुत सारे दैत्य गए वहाँ पर, कुछ बाल बाका भी नहीं हो पाया। तो उस समय कंस ने योजना बनाई कि क्या अक्रूर को भेजकर वहाँ पर कृष्ण बलराम को दोनों को बुलाकर मैं यहाँ पर ही क्या करेंगे मथुरा में जाकर उनको मार देंगे। तो उन्होंने जब अक्रूर को भेजा, अक्रूर गए। अक्रूर क्या है, वो भी भगवान के भक्त है, परंतु जब लाते समय उनको कृष्ण के और बलराम के जो मुखारविंद की तरफ देखा, वो तो कितने कोमल कोमल से बच्चे हैं और इनको कंस क्या योजना बनाया इनको मारने की। जब अक्रूर घाट पर पहुँचे और वहाँ पर ही अक्रूर को बड़ी चिंता हुई। अब चिंता हुई तो भगवान ने क्या किया, चिंता भगवान क्या सबकी चिंता को दूर करने वाले। जब वहाँ पर अक्रूर घाट पर वो स्नान करने के लिए गए, भगवान कृष्ण ने दिखाया कि सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो ईश्वर है वो भगवान है, समस्त देवी देवता भी उनकी उपासना कर रहे हैं। अक्रूर की शंका तो वहाँ पर दूर हुई। जब जैसे ही उनमें अक्रूर घाट में स्नान किया तो अक्रूर देख रहे बाहर भी क्या है, कृष्ण बलराम है। देखा वहाँ पर भी क्या है, कृष्ण बलराम है। जो है वो साधारण नहीं है, वो कौन है, भगवान है। परंतु उनकी शंका को दूर होकर अक्रूर तो आने लगे। परंतु अभी क्या हुआ, यहाँ पर कंस ने जो योजना बना रखी थी कि क्या है कृष्ण बलराम को मार देंगे यहीं पर होली गेट पे, और क्या नाम हाथी का नाम कुबला पीठ, जो कुबला हाथी थे जो उनको बड़ा शराब वराब पिया कर बहुत उन्होंने तैयारी कर रखा था, जैसे ही कृष्ण यहाँ पर आएंगे उनको मार देंगे। और जब कृष्ण बलराम की तरफ देखा, सखाओं ने उनकी तरफ देखा, मथुरावासी ने देखा, उनको भी भगवान की तरफ देखकर बड़ा नर्वत लीला भगवान कर रहे, तो देखा जी कंस इनको मार देगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी क्या होगा। तो भगवान ने सखाओं की शंका को दूर करने यहाँ पर ही भगवान ने क्या किया, उनको अपना दीर्घ माने विशाल बड़ा विष्णु, जैसे बताया ना कांड दशाई विष्णु, गर्भ दशाई विष्णु, चीरो दशाई विष्णु, अनंत कोटि विष्णु है, 24 विष्णु मूर्ति है, सभी कौन से भगवान से प्रकट होती है। तो भगवान ने यहाँ पर अपना विशाल रूप दिखाया और सखाओं की दूर हुई। क्या है कभी कभी ना कृष्ण में क्या आता है ये, तो उनकी चिंता को बड़ी दूर हुई और यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया। इसलिए जितने भी यहाँ पर सात जो अभी बताए अनंत पाद ने, दीर्घ विष्णु, आदि वरा और मथुरा देवी में एक मुख्य स्थान है दीर्घ विष्णु, जो मथुरा धाम की परिक्रमा करते हैं और जो यहाँ पर नहीं आते उनको भी मथुरा का फल पूरा नहीं मिलता। इसलिए और ये भगवान दीर्घ विष्णु जी का अवतार मंदिर है। मैं यद्यपि त्रेता में तुलसीदास जी ने कहा है कि शिव से वही विद विष्णु होने का हमारे विष्णु पुराण में भी कहते हैं विष्णुवे प्रविष्णुवे स्वरूप अनेक, उनकी लीलाएं भी अनेक अनेक। उसमें जो भगवान श्री दीर्घ विष्णु जी भगवान है, ये दीर्घ शब्द बड़ा कूट शब्द है कि आखिर भगवान को अपने नाम के अगारी जो सरल स्वभाव से हैं और उन्हें अपने अगारी दीर्घ लगाना पड़ा, अथवा देवताओं के उनके अगारी दीर्घ लगाना पड़ा, इनका कारण तो सतयुग के पूर्वार्ध से ही है। मैं आपको वेदों के अनुसार सतयुग के पूर्वार्ध की कथा, जिस समय संसार में जन्म हुआ था तो भगवान नारायण को पृथ्वी की स्थापना करनी थी। तो जब भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करने के लिए बारह भगवान का रूप धारण किया, तो उस वक्त भगवान का जो स्वरूप था वो 84 योजन का था। कितने का? 84 योजन का।
उदयगढ़ पे हम और आप ब्रजमे महाराज जी 84 कोस पर आ गए। तो माता पृथ्वी भगवान के स्वरूप को देख करके एकदम से घबरा गई। तो ये जो श्री विश्रांत तीर्थ है, यहाँ पर क्षणभर के लिए माता पृथ्वी और भगवान से पूछा कि प्रभु आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन। भगवान ने जो आपने दर्शन किए हैं शंख चक्र और गदा पद में माता पृथ्वी को दर्शन किया, वहां भगवान ने दीर्घ रूप को धारण किया। भगवान ने उसी जब राजा बलि का अत्याचार बढ़ता चला गया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अमावस्या को जब भगवान ने हमारे विष्णु भगवान नहीं हुए और उसके राक्षसों से महाराज जी समस्त जमीन को मुक्त कराया, तो उस वक्त भगवान की गर्जना इतनी तेज थी लंका को जलाने में हनुमान जी की हुई थी और भगवान ने उसको उस समय भगवान ने बड़ा दीर्घ रूप धारण किया। त्रेता में अनशन सहित लीलाओं को बताया। भगवान विष्णु ने माता कौशल्या को पहले बता दिया था कि मैं अपने समस्त अंशों के सहित अवतार। भगवान ने समस्त अंशों के सहित अवतार लिया और जिस वक्त भगवान ने रावण का वध, मैं समझता हूं कि उस समय विष्णु भगवान के जितने भी सहित हाथ थे, जितने भी आयु थे, जितने भी उनकी आवाएं थी, वो सब अगर विद्यमान हो गई। भगवान का इतना दीर्घ रूप धारण हुआ कि भगवान स्वयं न समझ सके और रावण का वध कर दिया। और जैसा भगवान ने कहा हमारे महाराज जी ने अभी कि भगवान श्री कृष्ण पर श्री नारायण का आवेश रहता है, द्वापर में तो इनकी लीलाओं का कहना ही क्या है। मुझे तो तुम अगर तुम कुछ है तो मुझे दिखलाओ, तो भगवान ने मुंह खोला, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिख गया। भगवान का अंतरकंडीय दीर्घ स्वरूप था। कार्तिक मास में भगवान ने प्रयाग तीर्थ को राजा बना दिया समस्त तीर्थों का, जो है ये कथा 12 पुणा में आती है, आज ही पढ़ना आप लोग जो है। तो 12 पुणा के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि जब मथुरा पर चढ़ाई कर दी, क्यों कर दी कि प्रयाग ने सभा बुलाई महाराज जी, कोई भी इस पर समस्त तीर्थों ने प्रयाग तीर्थ राज से शिकायत की, इस पर भगवान के ब्रजधाम पर श्री मथुरापुर को लेकर के आक्रमण कर दिया। 12 प्राण में गर्भ संहिता में बड़े विस्तार से इसका वर्णन है। भगवान को बहुत कष्ट हुआ, अत्यंत कष्ट हुआ, इतना दीर्घ रूप धारण किया कि पद्म के नीचे या लक्ष्मी की विराजमान। आपने नारायण के स्वरूप को लक्ष्मी के साथ ज्यादा कहीं देखा हो तो भारत में देखा होगा, शायद ये पहला ऐसा स्वरूप है जो नारायण का संग स्वरूप दर्शन होता है। सारे जान में लक्ष्मी जी उसके ऊपर होती हैं कमल के, यहाँ कमल माने पद्म के नीचे हैं। इसीलिए हमारे वेदों में जो श्री सूत और पुरुष सूत सूत्र की ऋचाएं आती हैं उसमें पद्म प्रिय पद्म तलायताक्षी नाम से जो माता लक्ष्मी जी को संबोधित किया जाता है वो आप ही श्री लक्ष्मी जी हैं। तो भगवान ने जब दीर्घ रूप धारण कर लिया तो सारे तीर्थ सारे लोक लोकांतर के देवताएं कांपने लगे, भगवान शांत हो गए। जब शांत हुए तो केवल दंड स्वरूप एक ही दंड दिया तीर्थों के लिए एक ही दंड दिया कि 3 लोक 14 भवन के सारे तीर्थ श्रावण से ले मेरे इस मथुरापुरी ब्रजधाम में आकर के निवास करेंगे। यही कारण है जो पुराणों से लेकर आज तक आप लोग को मान पूजन कर रहे हैं और आप लोग इस कोरोना जैसे काल में भी और इस चतुर्मांसा में भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे, आपका सौभाग्य है कि आपको इस समय 4 महीने पूरे ब्रज में समस्त देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। यह यमुना भी है, या गंगा भी है, या सरस्वती भी है, आपको सब मिलेंगी। ये 4 महीने आप जहां आप विराजमान हैं ये तीर्थ बड़ा सुगम और पवित्र स्थल है। श्री यमुना जी प्रवाह करती थी, श्री यमुना जी यहाँ प्रवाह करती थी,
ऊंचे ऊंचे टीले थे, भयंकर टीले थे। ये कथा भक्तमाल के प्रथम खंड के प्रथम स्कंध में आती है महाराज जी। वो भगवान नौका विहार करते थे, बालक ध्रुव को भगवान ज्ञान सिखाते थे, बड़ी अलौकिक कथा। भगवान को ज्ञान सिखाते थे, बालक ध्रुव जो है भगवान से ज्ञान सीखते थे। ऐसी अनन्य कोट लीलाएं हैं, ये ऐतिहासिक मंदिर है। महमूद गजनबी से लेकर के अब्दुल्ला शाह अब्दाली ने इस पर 8 बार आक्रमण किया। उसी काल में यहाँ रामानंदाचार्य, उसी काल में यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी ने अल्प आयु प्राप्त करने के बावजूद भी 18 महीने यहाँ पर तपस्या की। तो मेरा कहने का तात्पर्य, स्थान से न कोई देवता बचा, न कोई संत बचे, न कोई ऋषि महर्षि बचे, सभी को मत आया तो यहाँ आए। भूतल पर अगर शासक हैं ऐसा भारत तो हमारे भगवान श्री दीर्घ विष्णु जी हैं। कथा तो बहुत है, हर कथा हर कथा, लेकिन महाराज जी का और आपकी मनोकामना पूर्ण हो महाराज जी। और मेरा तो आपके पड़ोस से, आपके लोनी से, आपके मुजफ्फरगढ़ से, आपके कांधला से और आपके शामली से, मेरा तो का नाता है। मैं तो जाता हूँ आपके इलाकों में, आप लोग जानते हैं कि वो इलाका सब कैसा है महाराज जी। लेकिन करके आपके संतों की वाणी का, भगवान की दया का स्मरण करते हैं। बोलिए तीर्थ विष्णु भगवान की जय, संत भगवान की। हम लोग अभी जाएंगे जन्मस्थान जाएंगे, लेकिन जन्मस्थान में जब हम जाएंगे गेट में,